तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग मैं शाम को शूट कर रहा हूँ, मतलब करीबन 6 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ अभी जिम के लिए। अभी एक इंसिडेंट हो गया थोड़ा मेरे साथ, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ कि मैंने मेरे गैस के ऊपर अंडा रखा, और अंडा रखने के बाद फिर जब मैंने उसका फ्लेम चालू किया उसके बाद फिर मैं थोड़ा एडिटिंग के लिए लग गया। तो एडिटिंग करते करते मैं फिर 15 मिनट बाद आया, देखा तो फ्लेम ऑन, मतलब फ्लेम नहीं था पर गैस ऑन था। तो मैं थोड़ा डर गया, तो मैंने फटाफट जो भी घर की खिड़की थी सारी खोल दी, यहाँ से लेकर वहाँ तक सारी खिड़की खोलने के बाद फिर धीरे धीरे मैंने पहले एक माचिस लिया, माचिस लेके पहले हॉल में मैंने एक माचिस को जलाया। मैं बोला कहीं गैस यहाँ तो नहीं लीके वाला, ऐसा कुछ मेरे माइंड में ऐसा डाउट था, तो ऐसा किया तो नहीं हुआ। तो फिर से मैंने गैस को ऑन किया और उसके ऊपर अंडा लगाया, तो अंडा बॉयल हो रहा है, तो वो मैं अब जिम से आऊँगा उसके बाद खाऊँगा। अभी मैं सारा मेरा जिम का बैग सब पैक हो चुका है, तो अब मैं जिम जाता हूँ। अब मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ कि मुझे आज शोल्डर करना है या लेग्स करना है, दोनों में से थोड़ा आप देखते हैं, सर से भी पूछता हूँ, कंसल्ट करता हूँ, क्योंकि कल संडे है, यहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो सोसाइटी में करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आज जाके पूछता हूँ सर से क्या मारने वाला, जो होता है जैसा होता है दिखाते हैं। चलते हैं अभी नीचे की तरफ और पूरा वीडियो आप लोग एंड तक देखो। चलो अभी हम फटाफट जिम पहुँचते हैं फटाफट। बहुत मेरा स्टेटस देखा होगा कि मैं यहाँ का डालता हूँ, तो मैं यहाँ का डालता हूँ। ये देखो ये फिश टैंक है और उसके अंदर देखो कितनी अच्छी अच्छी फिश है, इंस्टाग्राम पे देखे रहोगे। तो अभी जस्ट मैंने पूछा सर से, तो सर ने मुझे कहा कि शोल्डर नहीं लेग्स मारता है, तो चलो अब लेग्स मारते हैं आज। जस्ट अपना जिम हो चुका है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा स्ट्रेचिंग में मेरी जो लग गई, मतलब आज का जो लेग्स वर्कआउट था वो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम था, और बहुत टाइम बाद में कर रहा था तो इसलिए बहुत पेन हो रहा था। तो अभी यहाँ से चलते हैं घर और घर पे आप लोग को मिलते हैं। तो अभी जैसे आप लोग देख रहे हो मैं घर पे हूँ, तो जब मैं जिम से घर पे आया उसके बाद जाके मैंने प्रोटीन शेक लिया। वैसे ऑलमोस्ट मैं जिम में ही प्रोटीन लेके जाता हूँ, बट लेट होने के कारण मैं जिम में प्रोटीन नहीं लेके गया, तो इस वजह से घर आके मैंने प्रोटीन लिया। और जो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले मैंने अंडा बॉईल करने को रखा था, तो वो बॉईल अंडे में से मैंने कुछ अंडे खाए, और अब मैं एडिट करने को बैठा हूँ जो मुझे आज व्लॉग डालना है मेरे मेन चैनल पे। ये व्लॉग तो बन रहा है बट मेरे को इसका बिल्कुल आइडिया नहीं कि मैं कौन से चैनल पर डालूँगा। मेरे बहुत सारे चैनल है तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो एक थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा समय निकाल के मैं एक बार डिस्कस करूँगा कि मेरे को मेरे कौन से चैनल पर कौन सा कंटेंट डालना है। लेट्स सी, देखते हैं, होप फॉर बेस्ट। बहुत जल्दी ये काम करने वाला हूँ मैं, और अगर ये सारी चीज़ें लाइन लेंथ में आ गई उसके बाद आप लोग को भी मज़ा आएगा, मुझे भी मेरे जो भी काम है वो काम करने में मज़ा आएगा। तो अभी फ़िलहाल एडिटिंग करते हैं और उसके बाद आप लोग को मिलता हूँ। देख सकते हो अभी इस समय मैं थंबनेल बना रहा हूँ और थंबनेल तैयार हो जाएगा, तो ये वीडियो आप लोग देख लेना, ये होली का वीडियो है। होली के एक दिन पहले हम लोग ने कैसे फोटोशूट किया, जो हमने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है, इंस्टाग्राम पे दिखाया, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अभी जस्ट एडिटिंग और वीडियो अपलोड करके हो गया है, तो हम दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा था कि हॉन्टेड ब्लॉग बनाना है तो कहाँ जाए, तो ऐसे ही डिस्कशन हुआ, कुछ प्लान नहीं हुआ। तो क्या करने का भाई, क्या करने का? अभी टाइम बता, देखो 11:30 हो रहे हैं, क्या करने का बता? देखते ना, किसको देखते हैं, आइडियाज इतने क्या आ रहा है क्या? अभी कैसा, देखो पहले मैं बहुत काम करता ना, बहुत वीडियो बनाता तो आइडियाज़ भी निकलते थे, तो अभी मैं आइडियाज़ को सबसे पहले अभी मैं लिखूंगा, एक बुक है वो बुक तैयार करूंगा। तो हॉन्टेड व्लॉग पे कहाँ जाना चाहिए, क्या वीडियो बनाना चाहिए, वो सारे मैं लिस्ट तैयार करूंगा, और एक एक दिन कोशिश करूंगा कि उस हॉन्टेड व्लॉग के जो मैं लिस्ट तैयार किया उस हिसाब से हॉन्टेड व्लॉग बनाऊँ। तो ऐसे ही यार घर पर पड़े रहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ करूँ, है ना। और कभी कभी मैं कुछ भी बोल देता हूँ तो फिर उसके लिए सॉरी। और ये देखो, ये एक नया आइटम मिला है मुझे, इससे क्या करने का, जब कुछ काम धंधा नहीं रहता है तो ऐसा सर में डालने का और ऐसा ऐसा करने का, हाँ हाँ सुकून मिलता है। तो चलो अभी सोचते हैं क्या करते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। एक तो आप लोग को मालूम है लेग्स मारा है, पैर ऐसा दुख रहा है ना भाई, मज़ा आ रहा है। हमारे मयूरेश भाई एक शूट करने जा रहे हैं, तो भाई आपको मेरे पास से कौन सा कैमरा चाहिए? 80D और सादी वाइड लेंस, मतलब 18-155 क्या है, 18-135 में तो भूल भी गया क्या लेंस का साइज रहता है, 18-135 शायद।
तो अभी मेरा घर पे जहाँ रखा है इसको मालूम रहता है कहाँ पे कैमरा रखा है। जाओ आपको छूट है, जो लेना है ले लो, जो चाहिए वो ले लो मेरे घर से, जा बिंदास, मेरा पूरा जायदाद तेरे नाम पे लिख देता हूँ, मयूरेश घुगे के नाम पे आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी, जा जी ले अपनी जिंदगी छोटे, एक एक सामान बेच बेच के खाना, कल से काम पे मत जा तू, मेरे घर का एक एक पहले हेलमेट बेच, ये 50 रुपये में हेलमेट बेच, टीवी बेच, ये कैमरा तो तेरे काम आएगा, हाँ ये इसमें भी घूमना, जी ले अपनी जिंदगी, जा एक एक सामान बेच के खा मेरा, जा दे दिया तेरे को मेरी प्रॉपर्टी, यहाँ रिमोट कोई नहीं लेगा भाई, टीवी के साथ लेगा। चलो बताते आगे, तो अभी ये देखो मेरे घर पे कौन कौन आ गए हैं। ये आया है ऋषिकेश गंजा और ये मयूरेश आया है। ए तू गंजा आएगा, दिखा तेरा बाल, वो भाई माले। और ये देखो इसकी वॉच दिखाता हूँ, दिखाओ ये देखो, ये जो वॉच है ना, ये वॉच की कीमत है 25,000 रुपया, दिखा ये कौन सी वॉच है, छोड़ जान दे, बता दिया तो बता दिया, 25,000 रुपये की वॉच पहन के आपको कैसा लग रहा है, टाइम तो वही बताती है, टाइम तो वही बताती है, तो फिर क्यों इतना महंगा वॉच भाई। अभी बाहर जा रहे तो कुछ चाहिए ना, लोग देखे अपने आप को। मयूरेश तेरी घड़ी कितने की है, 100 रुपये, टाइम वही बताती है ना, सेम वो भी पहना है आज, मोबाइल से काम चला रहे। मेरी घड़ी देखो 55,000 की, इतनी बड़ी बड़ी पचन दे रहा और खुद 55,000 की घड़ी पहनाओ, अभी इसका बैटरी लो है, लेकिन अच्छा है, इसने बताया कि इसकी घड़ी में सॉन्ग्स भी बजते, पता नहीं मेरे में बजते कि नहीं, मैंने कभी इसको डिटेलिंग में देखा ही नहीं, सिर्फ टाइम देखता हूँ और रख देता हूँ। तो अभी हम लोग का प्लान है कि हम लोग जा रहे हैं थोड़ा चाय पीने के लिए, और ये चाय पिलाने वाला है हमारा ऋषिकेश भाई, और इसके पास बुलेट है, लेकिन आज ये बुलेट नहीं लेके आया, ये लेके आया बग मैन, मंजे का है बग माला, माला बग। तो अभी चलते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों को आगे दिखाते हैं कि आगे हम लोग क्या दिखा सकते हैं। बाकी कुछ दिनों पहले ये टी शर्ट मेरे को बहुत ढीला होता था और आज आप लोग देख सकते हो फट के बाइसेप्स मेरे बाहर आ रहे, मतलब मेरा वर्कआउट काफ़ी जोरों शोरों से हो रहा है, और उसके लिए आई फील प्राउड, साइज अपने बढ़ रही है वर्कआउट की, देख रहे हो, और उस दिन लेग्स मारा हुआ आज इतना दिक्कत दुख रहा है ना, ये देखो। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आगे, पेट्रोल भराने आ गए हैं और ये पेट्रोल कर रहे हैं हम लोग फुल, क्या कर रहे हैं फुल, एकदम फुल। तो पहले हमने पूछा कि ऑनलाइन पेमेंट है ना, नहीं रहता तो फिर से घर पे जाना पड़ता, और इसको सर्विसिंग में भी देना है, ये देखो कितना जाएगा फुल में, ठीक है ना, मैं फुल कर दे। भाई आपका फ़ोन है क्या ऐसा रखा है, ऐसा फोन रखा है क्या, गूगल पे कोई लेके नहीं जाता, नहीं इधर मई तो इधर ही है, नहीं फिर भी एक झटके में लेने वाला निकाल लेंगे। ये अभी हम लोग फुल कर रहे हैं, कितने में होगी रे फुल, देखते हैं ना, 900-1,000 रुपये तक जाएगी, 1,000-1,200 तो तक जाना चाहिए। कितने की टाँकी है, 14 लीटर की टाँकी होगी, फुल हो गया, डालो ना पूरा फुल कर दो, कभी भराते हैं उसके बाद मिलते हैं। फाइनली मैं पेट्रोल भरा के घर आ चुका हूँ और मयूरेश को मैंने उसके घर पे छोड़ दिया। बाकी आज के व्लॉग में आप लोगों को मज़ा आया तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी आप लोगों ने मेरा लेग्स वर्कआउट देख लिया होगा और हम लोग ने क्या किया वो सारी चीज़ें देख ली होगी। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं डेली व्लॉग्स ये चैनल पर अपलोड करूँ। अगर आप लोग का साथ रहेगा और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ मैं आप लोगों को सुबह 10 बजे ये व्लॉग दिखा दूँ। तो ये सब आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के प्यार के वजह से ही होगा। तो बस मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, ऐसे ही प्यार करते रहो। आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मतलब कल सवेरे, रोज़ 10 बजे एक वीडियो डालने का मेरा प्लान है, लेट्स सी कितना पॉसिबल होता है कितना नहीं। बाकी आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं ज़रूर ये कोशिश पूरी करूँगा, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, सी यू, लव यू, टाटा। मतलब आप लोग जो वीडियो देख रहे हो आप लोगों के लिए मॉर्निंग होगा, मेरे लिए तो गुड नाइट है, मैं मिलता हूँ कल मॉर्निंग में, ठीक है, मतलब 10 बजे आप लोग को मिलूंगा।